बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं तहनियत फातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशकी सेट 1.4 का सवाल नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है 10/x जमा वाई जमा 2/x मनफी वाई मसावी 4 सेमी कॉलन 15/x जमा वाई मनफी 5/x मनफी वाई मसावी मनफी 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसावत को मसावत 1 और 2 नाम देंगे। यहाँ पर क्या है, 10 है, 10 को 1 से जब दिया गया था 10 एक दिस, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सेपरेट क्या करेंगे, इसे 10 को बाहर निकाल देंगे और यहाँ इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे 1/10। 1 का क्या होता है 10, वापस से वही मसावत होती थी। हम क्या करें 1/ क्या लिखेंगे एक्स जमा वाई ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या करेंगे जमा की जमा, 2 एक 2 होती थी इसलिए हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1/x मनफी वाई मसावी 4 की 4, इसे हम क्या करेंगे मसावत 1 नाम दे। यही मसावत को हमने क्या करे सिर्फ 10 को क्या करे सेपरेट थोड़ा बाहर निकाल दिए, 10 एक 10 होता है, ये ब्रैकेट को अलग से हमको क्या करना था सेपरेट करना था, इस वास्ते करें 2 एक 2 तो वापस वही मसावत आ जाए। अब है तो हमारे पास दूसरी मसावत क्या है, मसावत 2 क्या है 15 को भी उसी तरह से करेंगे हम, क्या करेंगे ब्रैकेट में ये जो बटे में है उसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो 15 एक क्या होता है 15 होते हैं वापस से यही 15 आ जाएंगे, इस वास्ते हमने क्या करे 1 से सब कर, तो क्या देंगे 1/x जमा वाई मनफी 5 के 5, 5 एक 5 तो बटे में क्या आ जाएगा 1/x मनफी वाई मसावी है मनफी 2, मनफी 2 के 2, अभी से हम क्या करेंगे मसावत 2 देगी ना। मसावत 1 और 2 में गौर से देखिए, मसावत 1 में क्या है 1/x जमा वाई है, मसावत 2 में क्या है 1/x जमा वाई है। मसावत 1 में क्या है x/x मनफी वाई है, तो इसमें भी क्या है मसावत 2 में भी x/x मनफी वाई है, तो x जमा वाई को हम ए सपोज कर सकते हैं, x मनफी वाई को क्या कर सकते हैं बी सपोज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे एल एम यूज करो फर्ज कर सकते हैं, पी क्यू फर्ज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 1/x जमा वाई को क्या करेंगे ए सब ए फर्ज करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/x जमा वाई के लिए क्या ए लेंगे ए रखेंगे या फिर उसकी जगह एल एम एन भी रख सकते हैं, तो एक बटा एक्स जमा वाई की जगह हम क्या रख रहे ए रख रहे और 1/x मनफी वाई की जगह हम क्या रखेंगे बी रखने पर, कौन से मसावत में रखेंगे मसावत 1 और 2 में भी 1 और 2 में रखने पर, तो मसावत 1 क्या है हमारे पास 10 है, तो 10 की 10 1/x जमा वाई, तो 1/x जमा वाई को क्या फर्स्ट कर क्या फर्स्ट करे हमने ए, तो ए लिखेंगे हम जमा के जमा 2 के 2 और इसे 1/x मनफी वाई है तो उसको क्या सपोज करेंगे बी मसावी है 4। इस मसावत को हम क्या करेंगे मसावत 3 नाम देंगे क्योंकि हमने ऊपर मसावत 1 और 2 नाम दे दी थी, अब उसी तरह मसावत 2 को भी हम एज इट इज लिखेंगे, मसावत 2 में क्या है 15 स्टार्टिंग में, तो 15 1/x जमा वाई को क्या सपोज करें हमने यहाँ पर ए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम ए मनफी 5 के 5 और 1/x मनफी वाई को क्या फर्स्ट कर रहे हैं क्या रख रहे उसकी जगह हम बी रख रहे मनफी 2 के 2, इस मसावत का हम क्या नाम दे देंगे मसावत 4। ध्यान दीजिए जब भी हम यहाँ रख रहे हैं तो वहां पर क्या रख रहे हैं ए और बी रख रहे हैं, यहाँ ए रखे और यहाँ बी, अब मसावत 1 और 2 गौर से देखिए, मसावत 3 और मसावत 4 गौर से देखिए, मसावत 3 क्या है 10 जमा 2 भी मसावी 4 और मसावत क्या है 15 मनफी 5 भी मसावी मनफी 2, 10 यहाँ 15 है, ये दोनों एक दूसरे से कट नहीं होते क्योंकि यहाँ पर 10 है यहाँ 15, यहाँ पर 2 भी है यहाँ 5 भी है, ये भी कट नहीं होते, अगर हम मसावत 3 को इस 5 से जरब देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 भी हो जाएगा और ये 2 से अगर हम 5 भी को जरब देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 भी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे मसावत
को, और ये क्या होता है, जमा मनफी कट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, जमा मसावा तीन को क्या करेंगे, पांच से जर्ब देने पर। तो हम क्या करेंगे, मसावा तीन को किस से जर्ब देंगे, पांच से जर्ब देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावात तीन को, मसावात तीन को किस से जर्ब देंगे हम, पांच से जर्ब देने पर, पांच से जर्ब देने पर। मसावात तीन क्या है, हम पर मसावात तीन को एज इट इज लिख देंगे, दस ए जमा दो बी मसावी है चार। ये मसावत हमारे पास क्या है, तीन है। हम इसको किससे जरब दे रहे हैं, पांच से जरब दे, तो पांच को दस से जरब दिए, तो पांच दाहे कितना हो जाएगा, पचास, और साथ में क्या है, ए है, तो ए का ए, फिर जमा के जमा, पांच को दो बी से जरब देंगे, तो पांच दो नहीं कितना हो जाएगा, दस बी मसावी, और पांच चौक कितना हो जाएगा, बीस। तो ये हमारे पास मसावत को, हमने जब मसावत तीन को क्या करे, पांच से जरब दिए, तो हमारे पास मसावत कितनी मिल गई, पांच मिल गई। अब हम मसावत को क्या करेंगे, मसावत चार को, इस मसावत को हम किससे जरब देंगे, दो से जरब देंगे। मसावत चार को दो से जरब देने पर या जरब करने पर, तो मसावत चार को हम क्या करेंगे, पहले एज इट इज लिख लेंगे, पंद्रह ए मनफी पांच बी मसावी मनफी दो। ये मसावत चार को हमने एज इट इज लिखी, किससे जरब दे रहे हम, दो से जरब दे, दो को पंद्रह जरब दो या पंद्रह को दो जरब, तो पंद्रह दोनी या दो पंद्रह, दो पंद्रह कितने हो जाएंगे जरब दे, तो पंद्रह दोनी कितने हो जाएंगे, तीस ए मनफी दो पन, दो को पांच, दो पंजे कितना हो जाएगा, दस बी के बी मसावी दो दोनी कितना होता, चार, और अलामत के यहाँ पर मनफी, तो मनफी के चार। इस मसावत का हम मसावत नंबर क्या देंगे, छ नाम देंगे। तब हमें मसावत पांच और छ को गौर से देखिए, मसावत पांच में यहाँ क्या है, दस बी है, और यहाँ पर क्या है, मनफी दस बी है। ये क्या हो जाएंगे, मसावत पांच और छ के अगर हम जमा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो मसावत पांच और छ की क्या करेंगे, जमा करने पर लिखेंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, ए की वैल्यू मालूम हो जाएगी। मसावत पांच और छः की जमा करने पर, अच्छा हम जमा क्यों कर रहे हैं, मसावत पांच और छः की हम जमा, पांच मसावत पांच और छः की जमा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या है, जमा के दस भी है, यहाँ क्या है, मनफी भी। जब भी जमा मनफी रहा तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, क्योंकि वो नंबर क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे। तो हम मसावत पांच और छः को क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे, तो मसावत पांच क्या है हमारे पास, पचास ए जमा दस बी मसावी है बीस, ये मसावत पांच है। अब उसी के नीचे हम मसावत छ लिखेंगे, मसावत छ क्या है हमारे पास, तीस ए मनफी दस बी मसावी है मनफी चार। ये मसावत कौन सी हो गई हमारे पास, पांच और छ की हो गई। अब इसकी हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो तीस ए में पचास ए में तीस ए मिलाए तो कितना हो गया, अस्सी ए जमा मनफी, ये मनफी और ये जमा, तो जमा मनफी क्या होता है, मनफी होता है, मतलब दस ए और दस बी जमा के दस जीरो आता है, लिखने की जरूरत नहीं। अब उसी तरह से जमा मनफी क्या होता है, मनफी मतलब क्या हो गया, बीस में से चार गए तो कितने बचे, सोलह, अस्सी ए मसावी है सोलह। हमें क्या मिल गया, अस्सी ए मसावी सोलह, ए और अस्सी और ए के दरमियान के जरब की अलामत है, इसे हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए मसावी है सोलह बटे अस्सी। अब सोलह के पहाड़े में अस्सी आता है कि नहीं आता है, सोलह पंजे कितना होता है, अस्सी होता है। अगर आपको सोलह का टेबल याद नहीं ना, तो आपके आठ के पहाड़े से भी कट कर सकते हैं, तो हम आठ के पहाड़े से आपको कट करके दिखाते हैं। आठ का आठ, आठ डोनी सोलह, आठ का आठ, जीरो का जीरो, तो क्या मिल गया हमें, दो बटे दस। फिर दो बटे दस को कट करेंगे तो क्या देंगे, दो एक दो, दो पंजे दस, हमें क्या मिल गया, एक बटे पांच। या फिर आप डायरेक्ट सोलह एक सोलह, सोलह पंजे अस्सी भी लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या बच गया, एक, और बटे में कितना आ गया, पांच। तो हमें क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई। अब जब हमें ए की वैल्यू मिल गई, तो हमें ए की वैल्यू क्या मालूम, ए की वैल्यू मालूम होगी, तो उसके बाद हम किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, बी की वैल्यू मालूम करेंगे। फिर b की वैल्यू मालूम करने के बाद इससे क्या करना है, हमें x और y जो हमने सपोज करे उसमें वैल्यू रखना है। तो a मसावी है एक बटा पांच,
मसावा तीन चार पांच में से आप जो मसा आदमी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ए मसावा 1/5 को मसावा तीन में रखने पर, मसावा तीन क्या है हमारे पास, मसावा तीन है हमारे पास, 10 ए जमा 2 बी मसावी चाहिए क्या है, मसावा तीन है तो हम इसे हम यहाँ लिखेंगे 10 के 10 जरब, ए की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 1/5, तो ये 1/5 जमा 2 बी मसावी है 4। अब हम इसे क्या करेंगे, कट करेंगे, 5 एक 5 5 2 नहीं 10, तो हमारे पास क्या गया, और 2 को 1 से जरब दिए क्या होता, 2 एक 2 2 जमा क्या हो जाएगा 2 बी मसावी है 4, फिर 2 बी का 2 बी एज इट इज मसावी 4 के 4 बी एज इट इज, जमा के 2 मसावी की साइड आगे क्या हो जाएंगे वो मनफी के 2 हो जाएंगे, तो 2 बी मसावी है 4 में से 2 गए कितने बचे 2, तरफन में 2 से तकसीम करने पर भी लिख सकते हैं, ये भी 2 और b के बीच में क्या है जरब है, तो मसावी की वो साइड ये 2 के 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे मसावी की साइड चल कर क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा, 2 एक 2 2 एक 2, तो हमें b की वैल्यू कितनी मालूम हो गई a। अब हमारे पास a और b की वैल्यू मालूम हो गई, a की वैल्यू आ गई थी 1/5 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1, हम a और b की गिनती क्या करेंगे वापस से क्या करेंगे b में रखेंगे, a और b की गिनती क्या है हमारे पास, ए और बी की कीमतें वापस रखने पर, ए और ए की कीमत क्या रखे थे ना जब सपोज कर रहे थे 1/1 जमा y की जगह हमने क्या सपोज कर रहे थे उसके ए और 1/x - y को क्या कर रहे थे बी सपोज कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे ए की कीमत रखेंगे, ए की कीमत हमारे पास क्या है 1/5, तो हम ए की जगह लिख देंगे 1/5 मसावी है 1/x जमा y, तो 1/x जमा y, उसी तरह हम बी की कीमत क्या है हमारे पास 1 मसावी है 1/x - y, इस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे ये दोनों का तिरछा जरब करेंगे, तो ये x x जमा वाई को 1 से जरब करें तो क्या आ जाएंगे 1 जमा y, और ये 5 को 3 तो क्या आ जाएंगे x क्या मिल जाएगा हमें x जमा वाई को क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मसाई 5 एक का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसी तरह से क्या करेंगे x - y हो गया तो x - y बटे में क्या था उसके उसके एक था, तो ये क्या मसावी की साइड आएंगे तो क्या आ जाएंगे जो 1 आ जाएंगे, इस मसावात को हम क्या नाम देंगे, अभी तक हमने कितने मसावात हुए थे हमारे पास, मसावात कितने हो गए थे हमारे पास 6 हो गए थे, इस मसावात को हम क्या नाम देंगे 7, और इसे क्या नाम देंगे मसावात 8। अब मसावा 7 और 8 गौर से देखिए, यहाँ क्या है जमा के 1 से, यहाँ भी जमा के 1 से, यहाँ जमा के वाय है, यहाँ क्या है मनफी के वाय क्या है, ऑटोमेटिक क्या हो जाते कट हो जाते, कब कट होते जब दोनों मसावत की हम क्या करेंगे जमा करेंगे, इस वास्ते हम जमा हर हमें क्या है नंबर सेम है, यहाँ पर भी 1 वाय है तो यहाँ पर भी क्या है 1 वाय मनफी के, तो मसावा 7 और 8 की क्या करेंगे हम जमा करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे मसावा 7 और 8 की जमा करने पर हमें x और y की क्या करनी है कीमत मालूम करना है, इस वजह से हम ये दोनों मसावत क्या कर रहे हैं जमा कर रहे हैं, तो x जमा y मसावी है 5, ये मसावत 7 लिख दिया, अब उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे x मनफी y मसावी है 1, ये मसावत कितनी हो गई 7 और 8 होगी, दोनों इसी मसावत की क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर जमा कर रहे हैं, तो 1x और 1x कितना x हो जाएगा 2x हो जाएगा, जमा के वाय और ये जमा मनफी, ये मनफी और ये जमा, जमा मनफी क्या होता है मनफी होता है, मतलब जमा के वाय और मनफी के वाय क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, ये आंसर 0 आ जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं, 5 में 1 मिला दिए कितने हो गए 6 हो गए, तो अब 2x मसावी है 6, हमें क्या मिल गया 2x मसावी है 6, हमें x की कीमत मालूम करना है, तो x मसावी है 6, 2 और x के दरमियान क्या है जरब की अलामत है, तो ये 2 क्या हो गया मसावी की साइड क्या हो गया बटे में आ गया, तो अब इसे हम कट करेंगे 2 एक 2 2 3 6, तो हमें x की कीमत कितनी मिल गई x मसावी है 3, 2 के बाद x कट करें 2 एक 2 2 3 4 2 3 6, अब x हमें कितना मिल गया 3, अब हम क्या करेंगे x मसावी है 3 को मसावात 7 या 8 में से जो मसावात में आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, x की कीमत तो हमें मालूम हो गई, तो हम क्या करेंगे x मसावी 3 को क्या करते हैं मसावात 7 में रखते हैं, 7 में रखने पर आप चाहे तो मसावत 8 में भी रख सकते, तो हमारे पास मसावत 7 क्या है वो मसावत हम क्या करेंगे एज इट इज उतार देंगे, ये मसावत हमारे पास 7 है,
एक्स की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं, 3 रख रहे, तो ये 3 जमा वाई मसावी है 5, वाई के वाई मसावी 5 के 5, और ये क्या है जमा 3, मसावी के साइड आ गए तो क्या हो जाएंगे मनफी के 3 हो जाएंगे, तो वाई मसावी है 5 में से 3 गए तो कितने बच गए 2। अब हमें एक्स और वाई की कीमत कितनी मिल गई, एक्स की कीमत कितनी मिल गई 3 और वाई की कीमत कितनी मिल गई हमें 2, तो हम लास्ट में जवाब लिखेंगे। जवाब में क्या लिखेंगे हम, सेम पहले वैसा क्या लिखे थे हमने पिछली बार, दी हुई हमजात मसावातों का हल एक्स कॉमा वाई मसावी है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 3 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी 2 है। इस तरह से हमें हल करना था। सबसे पहले हमने मसावात को क्या करे, एक और दो नाम दे दिए सेपरेट करके, फिर उसे हमने जो सेपरेट करे इसे हमने क्या करे ए और बी उसकी कीमतें रखे, उसे फर्स्ट करे ए और बी रखने पर, फिर हमने ए और बी मालूम करे तो उसमें मसावात 3 और 4 दे दी। 3 और 4 देने के बाद हमने क्या करे, ये कट होता या नहीं होता ये देखे, ये कट होने के बाद हमें क्या मालूम हो गया, हमें मसावात 5 मिल गई और मसावात 6 मिल गई, पर मसावात 5 और 6 सेम आ गए 10 भी, और यहाँ पर मनफी 10 भी आ गए, इसे हमने कट करके हमने क्या करे हमारे पास 80 मसावी 16 आ गया था, फिर 80 ए मसावी 16 आ गया, तो फिर हमने उसे कट कर कर ए की कीमत 1/5 मालूम करे, फिर ए मसावी 1/5 को मसावात 3 में रखे, मसावात 3 में रखने पर हमें क्या हो गया बी की कीमतें मालूम होगी, बी की कीमतें मालूम होगी, बी की वैल्यू आ गई 1, फिर ए और बी की कीमतें हमने वापस वही रखे जो हमने पहले क्या करते फर्ज करे थे, उसमें हमने 1/5 ए की वैल्यू रखी थी, बी की वैल्यू जो 1 ही थी वो रख दी, फिर उसके बाद मसावात उस हल करने के बाद उसे क्या मिल गई हमें मसावा 7 और 8 मिल गई, मसावा 7 और 8 मिलने के बाद हमने मसावा 7 और 8 को ध्यान में रखते हुए देखे कि वो आसानी से कट होता है कि वो कट हो गया, इस वास्ते हमें मसावा 7 और 8 की क्या करे जमा करे तो वाई उसमें कट हो गया, तो वाई कट हो गया तो हमें मिल गया 2x मसावी 6 कट करने के वास्ते हमने एक्स की कीमत मालूम करने के वास्ते उसे कट करे तो एक्स की वैल्यू हमें 3 मिल गई, एक्स मसावी 3 को मसावा 7 में रखे हमने तो 7 में रखने पर हमें वाई की कीमत मालूम होगी, और लास्ट हमें जवाब लिखे दी हुई हमजात मसावतों का हल एक्स कॉमा वाई 3, 3, 2 है। इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर 2 हल करे। चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 है 27/(x-2)-31/(y-3) मसावी 25 सेमीकोलन 31/(x-2)-27/(y-3) मसावी है 89। जब भी हम इस तरह की मसावत हल करेंगे तो उसे गौर से देखिए, उसके बटे में मसावत 1 के बटे में क्या है x मनफी 2 है, और मसावत 2 में भी क्या है x मनफी 2 है, मसावत 1 में बटे में क्या है x जमा 3 है, तो मसावत 2 में भी क्या है x जमा क्या है 3 है, इसी में क्या है x जमा 3 है, यहाँ पर भी सबसे पहले हम मसावत को क्या करेंगे एज इट इज उतार देंगे, या फिर उसे क्या करेंगे ब्रैकेट में बना देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे 27, अब ब्रैकेट में जो बटे में है तो वहां पर क्या लिखेंगे ऊपर 1, 27 का 27 वापिस वही मसावत होती है, यहाँ इजी हो जाने के लिए ये समझ में अच्छे से आने के लिए हमने इस तरह से लिखी 1/(x-2)। अगर आपको अच्छे से होने आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एज इट इज मसा, तो 27 ब्रैकेट में लिखे 1/(x-2), फिर मसावत क्या जमा के है तो यहाँ जमा जमा फिर 31 है तो 31 के 31, उसी तरह से हम क्या करेंगे इसी भी ब्रैकेट में, तो 31 का 31 होती है इसलिए बटे ऊपर क्या है 1 है, और बटे में क्या है वाई जमा 3, तो वाई जमा 3 की 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर मसावी फिर कितना है 85, तो ये 85 के 85। अब हम इस मसावत को क्या नाम देंगे मसावती, यहाँ ऊपर लिखेंगे हल। अब ये होगी हमारी मसावत 1, अब उसी तरह से हम मसावत 2 को भी क्या करेंगे उसी तरह से लिखेंगे। अब मसावत 2 में भी क्या है 31 है पहले, तो हम पहले 31 लिख देंगे, 31 लिखने के बाद बटे में क्या है 1/ क्या लिखेंगे 1/(x-2), फिर यहाँ पर क्या है जमा, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे जमा, यहाँ क्या है बचा 27, तो ये 27, और फिर इसमें क्या लिखेंगे 1/(y-3) ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ क्या लिखेंगे 89, और मसावत को क्या नाम देंगे मसावत 2। अब यहाँ पर देखिए मसावत 1 में क्या है x-2 है, यहाँ x-2 है, यहाँ पर भी y-3 है, यहाँ पर भी y-3 है, तो हम 1/(x-2) को a फर्स्ट करेंगे, और 1/(y-3) को क्या करेंगे b फर्स्ट करेंगे,
यहाँ हम लिखेंगे एक बटा एक्स मनफी दो के लिए हम क्या लेंगे, ए लेंगे और इसके लिए ए ले रहे, और एक बटा वाई जमा तीन के लिए बी रखने पर हम क्या रख रहे हैं, बी रख रहे हैं। तो 27 के 27 इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, ए ले रहे। आप चाहे तो ए के लिए बोले यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मसावी भी डाल सकते हैं दोनों के दरमियान। हमने इस तरह से लिखे, आप जो जिस तरह लिखना चाहे लिख सकते हैं। 27 यहाँ क्या लिख देंगे हम, ए। इतनी पूरी वैल्यू किसकी है, ए की है हमने फर्स्ट करे। फिर जमा 31 के 31, फिर ये यहाँ पर ये किसकी है, इतनी पूरी वैल्यू किसकी है, बी की। तो यहाँ लिख देंगे हम बी मसावी है 85। फिर कितना आया 31, यहाँ क्या एक्स मनफी दो है मसावा एक में, तो एक जमा यहाँ 27 है, तो ये 27 इतनी पूरी वैल्यू को क्या फर्स्ट करे, बी फर्स्ट करे, तो ये बी के बी, और ये कितना है 90, तो ये 90 के 90। अब इस मसावत क्या करेंगे, एक दो नाम दिए, अब इसको कितना देंगे मसावत 3, और इसको देंगे मसावत 4। अब मसावत 3 और 4 को गौर से देखिए, अब यहाँ 27 है, यहाँ 31 है, यहाँ 31 है, यहाँ 27 है। आपने मशकी से एक अशारिया एक में इस टाइप के सवाल हल करे थे उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर क्या है 31 ए है, यहाँ पर भी क्या है 31 बी है, यहाँ 27 ए है, यहाँ 27 बी है, इस तरह से आया। अगर आप 31 को 27 से जवाब देंगे या 27 को 31 जवाब देंगे जरब देंगे तो वही जवाब मिलेंगे आपको। इस तरह के क्वेश्चन, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर भी 31 है, यहाँ पर भी 27 है, यहाँ पर भी 27, इस तरह की मसावत आ गई आपके पास। दोनों मसावत की एक बार जमा करना और एक बार क्या करना, मनफी करना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, मसावत 3 और 4 की एक बार जमा करेंगे, फिर मसावत 3 और 4 की एक बार क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। फिर तफरीक करने के बाद जो मसावत हमें मिलेंगी उससे हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, हम मसावत एज इट इज उतारेंगे। इस तरह से हमने मसावत 3 और 4 को लिख लिए, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी दोनों की क्या कर रहे हैं हम, जमा कर रहे हैं। 27 और 31 कितने हो गए, 7 और 1 कितना हो गया 8, 3 और 2 कितने हो गए 5, कितने आ गए 58। 27 जमा 31 58, ए और ए का है क्या करेंगे, ए लिखेंगे। फिर जमा कर रहे तो जमा के जमा 7 और 1 कितने हो गए 8, 3 और 2 कितने होंगे 5, और यह क्या है बी, तो बी के बी। अब इसकी भी हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, 9 और 5 कितने होंगे 14, 14 के 4 हासिल का 1, 9 और 9 सॉरी 8 और 8 16, और 1 कितना हो जाएगा 17, कितना हो गया 174। अब ये इस मसावत में यहाँ क्या है 58, 58 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तरफ़ैन को 58 से तकसीम करने पर। यहाँ पर क्या है 58 ए जमा 58 बी मसावी है 174 आ गया। अब यहाँ 58 है, यहाँ 58 है, तो मतलब हम क्या करेंगे, तरफ़ैन को 58 से तकसीम करने पर, इस तरह लिखेंगे तरफ़ैन को 58 से तकसीम करने पर। 58 से तकसीम करें तो ये 58, ये 58 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए हमें मसावत को एज इट इज लिखे। अब 58 ए जमा 58 बी मसावी 174, तो 58 को तकसीम करें तो बटे में क्या आ जाएंगे 58, इसके बटे में क्या आ जाएगा 58, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 58। अब 58 ए का 58, यहाँ पर क्या आ जाएंगे 58 ए का 58, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए जमा बी। अब मसावी के मसावी, अब 58 दिया हुआ है, 58 के पहाड़े में 174 कितने पिलाते हैं, हमें तो 58 का पहाड़ा याद नहीं है, तो हम इस वक्त क्या करेंगे, 58 का पहाड़ा क्या करना, आपने 58 का पहाड़ा कब तक पढ़ना, जब तक स्टार्टिंग में 4 नहीं आते, तो अब 58 का पहाड़ा ही याद नहीं है हमको, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में क्या है 8 है, तो हम 8 का पहाड़ा क्या करेंगे, देखेंगे कि 8 का पहाड़ा पढ़ते वक्त पहले क्या आता, 4 आता कि नहीं, 8 का 8 होता, 8 दूनी 16, 16 मतलब पहले 6 आता, इसका मतलब 16 तो नहीं हो सकता, 8 का 8 दूनी 16, 8 दिया कितने होते हैं 24, मतलब 24 आते हैं, यानी कितना हो सकते हैं 24, मतलब स्टार्टिंग में 4 है, मतलब 58 या 174 हो सकती है, नहीं हम इसको देखने के लिए इस तरह करेंगे 58
तीन, 58 को कह रहे हैं 3 से देखेंगे क्या 174 आता है, क्योंकि हमको 58 का पहाड़ा याद नहीं। तो 3 8 कितना हो गया 24, 24 के 4 हासिल के 2, भी 3 5 15, 15 और हासिल के 2 मिलाए दे कितना हो गया 17। अरे ये देखिए तो कितना होता है 58 3 कितने होते हैं 174, मतलब जॉब आता तो हम डायरेक्ट यहाँ कट कर देंगे 58 1 58, 58 3 74। इससे हमने इस तरह से, जब भी आपको कोई टेबल याद नहीं है तो आप इस तरह से जरब कर या कट कर देख सकते हैं कि आंसर आता है या नहीं। तो हमें कौन सी मसाव, ए क्या मिल गया, ए जमा बी मसावी है थी। अभी तक हमने मसावत क्या नाम दिए थे, 1 2 3 4, तो इस मसावत को क्या नाम देंगे 5। अब उसी तरह से हमने मसावत की क्या करी थी, 3 और 4 की जमा कर रहे थे, तो हमें मसावत ए जमा बी मसावी कितनी मिल गई थी, 3 मिल गई थी। अब हम ये मसावत नंबर हमने 5 लिख दिया, अब हम क्या करेंगे मसावत 4 और 3 की क्या करेंगे, एक बार जमा कर दिया, अब क्या करेंगे तफरीक करेंगे। अच्छा हाँ, मसावत 4 और 3 की तफरीक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 89 है, 89 है, मतलब ये बड़ा है 25 से क्या है छोटा, इसलिए हम पहले मसावत 4 लिखेंगे फिर मसावत 3 लिखेंगे। तो मसावत क्या करेंगे हम 3 और 4 और 3 की तफरीक करेंगे, मसावत 4 और 3 की तफरीक करने पर हम मसावत 3 और 4 एज इट इज लिखेंगे। इस तरह से हमने मसावत 4 और 3 लिखी, मसावत 4 और 3 की क्या कर रहे हैं हम तफरीक कर रहे थे। 31 से 27 है, 27 जमा का था तो जमा मनफी क्या हो गया, मनफी मतलब जमा के क्या हो गए 27 है, जमा के 31 था तो जमा मनफी, मनफी मतलब 31 भी क्या हो गया मनफी के हो गया, 25 से भी क्या हो गया मनफी के, तो 31 में से 27 गए तो कितने बचे, 27 के बाद 28 29 30 31 कितने बच गए 4 बच गए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4a। अब 27 में से 31 तो नहीं जाते, तो 31 में से 27 गए, 31 में 27 गए तो कितने बचते 4 और बी का बी, लेकिन यहाँ पर 31 पहले जमा के थे लेकिन हमने जब तफरीक करे तो वो जमा मनफी क्या हो गया मनफी, मतलब 31 क्या हो गए मनफी के हो गए, हम 31 में से 27 निकाले इसलिए हमारे पास सलामत क्या आ जाएगी मनफी 4 भी आ जाएगी। मसावी 89 में से 85 गए, 89 में से 85 गए तो कितने बचे 4, अब हमारे पास 4a मनफी 4b मसावी है 4, ये मिल गया। तो अब इस तरह से हमें जो मसावत, अब हम क्या करेंगे 4a मनफी 4b मसावी 4, इसके बटे में 4 है यहाँ पर भी 4, या तो हम कॉमन 4 निकाल कर फिर इसके बटे में 4 दे देंगे, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तरफाइन को 4 से तकसीम करने पर, तो हम मसावत को एज इट इज लिखेंगे 4a मनफी 4b मसावी है 4 और हर एक बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्यों चाहेंगे क्योंकि हम तरफाइन को 4 से तकसीम कर रहे, तो 4a का 4, 4a का 4, 4a का 4, तो क्या बच गया हमारे पास ए मनफी बी मसावी है 4a का 4, मतलब यहाँ क्या बच गया ए, हमने पहले मसावत मालूम करते वो कौन सी नंबर, मसावत 5 थी, अभी से इस मसावत का नंबर दे देंगे हम 6। अब मसावत 5 और 6 गौर से देखिए, मसावत 5 क्या है हमारे पास ए जमा बी मसावी है 3, अब मसावत 6 क्या है हमारे पास ए मनफी बी मसावी है 1, मसावत 5 और 6 में मनफी जमा, ए 5 में जमा के भी है और 6 में क्या है मनफी के भी है, तो मसावत 5 और 6 की क्या करेंगे हम डायरेक्ट जमा करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मालूम हो जाएगी, हम यहाँ लिखेंगे मसावत 5 और 6 की जमा करने पर, मसावत 5 क्या है हमारे पास उसे हम मसावत 5 और 6 को एज इट इज लिख लेंगे। इस तरह से हमने मसावत 5 और 6 को एज इट इज लिख लिया, मसावत 5 और 6 की क्या कर रहे हैं हम जमा कर रहे हैं, इसकी भी जमा हो जाएंगी इसकी भी जमा हो जाएंगी और इसकी भी क्या जाएंगी जमा, ए ए, ए यहाँ ए के पास कुछ नहीं था एक होता तो एक ए और एक कितने हो गए 2 a हो गए, जमा मनफी, जमा मनफी मनफी होता मतलब ये जमा के भी और ये मनफी के भी कट हो जाएंगे 0 जॉब आ जाएगा, उसे हमने लिख दिया इस तरह से कट करते 3 a का सॉरी 3 में 1 मिला कितने हो गए 4, तो हमारे पास क्या आ गया 2 a मसावी है 4, 2 और 1 के दरमियान क्या है जरब की अलामत है इसलिए मसावी मसावी 4 के 4 और ये 2 मसावी की साइड क्या आ जाएगा बटे में आ जाएंगे, तो 2 a का 2 2 2 4, तो हमें हमारे क्या मिल गई ए मसावी है 2, अब ए मसावी 2 इस तरह से हमने कट करे तो हमें ए की वैल्यू तो मिल गई, अब ए की वैल्यू मालूम करने के बाद क्या करना है हमें बी की वैल्यू मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे
ए मसावी दो को आप क्या करेंगे, मसावत पांच और छह में से कोई भी एक मसावत में रख लेंगे। तो ए मसावी है दो, इस तरह से हम लिखेंगे ए मसावी है दो को मसावत पांच में रखने पर, मसावत पांच हमने एज इट इज उतार दिए, अब वहां पर क्या करेंगे हम, जहाँ ए है वहां पर क्या रखेंगे हम, दो रखेंगे, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दो। एक जगह दो लिखे जमा बी के बी मसावी है तीन के तीन, फिर बी के बी एज इट इज मसावी मसावी तीन के तीन, और ये जमा के तो मसावी की साइड आगे क्या हो गए, मनफी के दो। तो हमारे पास बी मसावी है तीन में से दो गए तो कितना बचा एक, तो मतलब हमारे पास क्या आ गई कीमतें, बी मसावी है एक। अब हम वापस से क्या करेंगे, वही वही इक्वेशन में क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू रखेंगे। ए और बी की कीमतें दोबारा रखने पर, तो ए की कीमत ए क्या था हमारे पास, ए मसावी है एक बटा एक्स मनफी दो, और बी क्या था हमारे पास, बी मसावी है एक बटा वाई जमा तीन। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई हुई है, ए की वैल्यू आई हुई है हमारे पास दो, तो हम ये जगह लिखेंगे दो मसावी है एक बटा एक्स मनफी दो, और ए बी की वैल्यू कितनी आई हुई है, एक, एक मसावी है एक बटा वाई जमा तीन। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले इसके बटे में यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, एक रहेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो दो के दो ये इधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स मनफी दो मसावी एक इधर चलेगा तो एक एक आए, तो दो को एक्स जब दी क्या आ जाएगा, दो एक्स मनफी के मनफी, और ये दो से दो को जब दो दो नहीं कितना हो गया चार मसावी एक का एक, दो एक्स के दो एक्स मसाविक मसावी का एक, ये मनफी के क्या है चार है, तो मसावी की साइड आ गए तो क्या हो जाएंगे, ये जमा के चार आज हो जाएंगे। तो दो एक्स की दो एक्स चार और एक कितना हो गया पांच, दो और एक्स के दरमियान क्या है जरब की अलामत है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे एक्स मसावी है पांच, और ये दो मसावी क्या इधर ये साइड आ जाएंगे तो क्या आ जाएंगे दो, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई पांच बटे, इतना ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, y की कीमत मालूम करेंगे, y की कीमत मालूम करें तो ये इधर चल जाएंगे, एक के बटे में कुछ नहीं है, मतलब वहां पर क्या है इस तरह से ये दोनों का क्या हो जाएगा तिरछा जरब हो जाएगा, तो ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक को y जमा तीन से ज्यादा दिए तो क्या आ जाएगा, वही जवाब आ जाएगा, वाई जमा तीन मसावी एक को एक से ज्यादा दिए तो एक हो गया, तो वाई जमा की तीन मसावी की साइड गए तो क्या हो जाएंगे मनफी की तीन, तो मसावी मसावी एक के एक जमा तीन मसावी की साइड आगे क्या हो गए मनफी के तीन, तो वाई मसावी है एक में से मनफी तीन, मतलब मनफी तीन में से एक गया तो कितना हो गया, कितने बचे मनफी दो, तो क्या बच गया वाई मसावी है मनफी दो। इस तरह से हमने ए और बी की वैल्यू क्या करे मालूम कर दिया। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, जवाब लिखेंगे, जवाब में क्या लिखेंगे हम, सेम पिछली बार जिस तरह से लिखी थी उसी तरह से, दी हुई हमजात मसावातों का हल x कॉमा y मसावी है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास पांच बटे दो कॉमा की कॉमा, और y की वैल्यू कितनी आ गई मनफी दो है। देखिए हमने इस तरह से पूरा पूरा सवाल हल करे, सबसे पहले हमने क्या करे मसावात एक और दो लिखे, उसमें हमने ए और बी फर्ज करे, फिर उसे हल करने की हमें तरफाइन को अठावन से मसावात को अठावन से तकसीम करे, तकसीम करने पर हमें ए जमा बी मसावी थी मसावात पांच मिल गई, फिर हमने तीन और चार की क्या करे तफरीक करे, तो हमें चार ए मनफी चार बी मसावी चार मिला, फिर तरफाइन को हमें चार से तकसीम करे तो हमें ए मनफी बी मसावी है एक मसावत छह मिली, फिर मसावत पांच और छह की हमने क्या करे जमा करे तो हमें क्या मिल गया एक ही कीमत मिल गई, दो एक ही कीमत को हमने क्या करे बी में मसावत पांच में रखे तो हमें क्या मालूम हो गया बी मालूम हो गया, फिर ए और बी की कीमतें दोबारा रखी हमने, ए मसावी एक बटा एक्स मनफी दो और बी मसावी एक बटा वाई जमा तीन की, इसमें हमने क्या करे ए और बी की कीमतें रखे तो हमें एक्स और वाई की कीमत मालूम होगी, एक्स और वाई की कीमत हमें पांच बटे दो मिली और वाई की वैल्यू क्या मिल गई मनफी दो मिल गई, तो हमने लास्ट में जवाब लिखी दी हुई हमजाद मसावतों का हल एक्स कॉमा वाई पांच बटे दो कॉमा मनफी दो है। इस तरह से हमने ये सवाल भी हल करे। सवाल नंबर चार हल करने की हल करना है और अच्छे से समझना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले।
साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।